क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आपको सभी आप सभी को बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग NTPC का जो आपका मॉड्यूल सेट हम लोग कर रहे थे उसका ये पार्ट 7 रहेगा। तो अगर कोई हमसे नए जुड़ रहे हैं तो उनको बता दो, ये जो आपका मॉड्यूल सेट होता है इसमें आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का आपका मिक्स क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें हम लोग रोज़ टेस्ट करते हैं, टेस्ट देते हैं, और ये आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो अगर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है। क्या है जो अपमार्जक होता है, तो जब हम लोग उसको कठोर जल के साथ मिलाते हैं तो वो झाग उत्पन्न करता है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। जो आपका अपमार्जक है उसमें आपका जो सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम होता है वो जल लवण में घुलनशील होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कि देखिए चूने का जल में क्या होता है। जो आपका चूने का जल होता है जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, तो CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और एक चीज़ आपको बताना है कि जैसे कास्टिक सोडा होता है और दाहक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कास्टिक सोडा या दाहक सोडा रासायनिक सूत्र का ये बताएं, नाम बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा या दाहक सोडा बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वायु के नमूने में क्या है, मतलब जो आपका वायु हम लोग का प्रेजेंट रहता है वायुमंडल में, इसमें कौन सी क्या क्या चीज़ उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें इतनी सारी चीज़ें उपस्थित रहती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है। जैसे वायुमंडल में मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया कि जो गैसें उपस्थित रहती हैं तो उसका अनुपात बताना है कि कौन कितनी मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, मतलब अलग अलग स्थानों पर इसका मात्रा कुछ अलग अलग होती है। लेकिन अगर सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः देखिए 78.07% आपका रहता है नाइट्रोजन, 20.93% आपका ऑक्सीजन रहता है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका आर्गन रहता है 0.93% तथा अन्य, मतलब अन्य भी कुछ गैसें इसमें प्रेजेंट रहती है। तो देखिए रेलवे में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके अलावा कि आपका सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। जो आपका खाद्य का तेल होता है उसको वनस्पति घी में किस विधि द्वारा बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ऑक्सी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही जो आपका खाद्य तेल है उसको वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की वस्तुएँ में जंग क्या बनने से लग जाती है। जैसे लोहे का वस्तु होता है उसमें हम लोग सभी जानते हैं कि जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो जंग लगने का कारण क्या है, क्या बनने के कारण उसमें जंग लगती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इसी बनने के कारण ही आपका उसमें जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। जो आपका हीरा होता है वो रासायनिक तौर पर क्या है, तो देखिए जो हीरा होता है वो आपका कार्बन का अपरूप होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन का अपरूप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो आपको वीडियो पॉज करके आपको आंसर सोच लेना है, उसके बाद जैसे मैं आपको आंसर कहता हूं तो आपको अपना आंसर मिलाना है कि आपका कितना मतलब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बाद आपका टोटल क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। जो आपका वायु में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसका महत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूमि अपरदन जिसको हम लोग सॉयल एरोजन इंग्लिश में कहते हैं, की रोकथाम संभव है। तो कैसे करके हम लोग जो सॉयल एरोजन होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुनः वन रोपण से, ठीक है। पुनः वन रोपण के द्वारा हम लोग जो भूमि अपरदन होता है, सॉयल एरोजन होता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत था, ठीक है, डार्विन में एक सिद्धांत दिया था, उसको वो किसके बारे में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है। प्राकृतिक चयनवाद के ही लिए एक डार्विन ने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका ओजोन, ठीक है। इसमें आपका एक क्वेश्चन और एक पूछा जा सकता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका ऑप्शन आपका रहेगा O2O3, तो आपको O3 मानना है। देखिए O2 जो होता है आपका ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है, तो ओजोन का क्या आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेलियोन्टोलॉजी अध्ययन है, पेलियोन्टोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जीवाश्मों का, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं, पेलियोन्टोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप जितना भी क्वेश्चन आएंगे आपका करंट अफेयर से आएंगे, ठीक है। तो वर्ष 2018 किस सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 2018 में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो वो किन्हें दिया गया था, तो इसका आपका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताना आपको। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सुनील अरोड़ा। जो सुनील अरोड़ा जी है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित किस राज्य में विधानसभा नवंबर 2018 के दौरान भंग कर दी गई थी, तो वो कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा 2018 के दौरान भंग हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते 27 नवंबर को मोहम्मद आजीब का निधन हो गया, उन्होंने वो किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। बीते 27 नवंबर को मोहम्मद आजीज का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, पार्श्व ज्ञान, ठीक है। पार्श्व ज्ञान से वो ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आवास योजना से पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत 2015 ईस्वी से 2017 की 3 वर्षीय अवधि में कितने परिवार सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। तो कितने परिवार अभी तक लाभान्वित हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 1.38 लाख, है ना, 1.38 लाख अभी तक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा तवाज लेनो को विज्ञान पुरस्कार 2018 से किस भारतीय वैज्ञानिक को नवाजा गया है, ठीक है। द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा तवाज लेनो को विज्ञान पुरस्कार 2018 से किस भारतीय वैज्ञानिक को नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, R.A. मासेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में प्रावधान रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉरशिपिंग फाइल्स गार्ड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। आपका एक बुक आया था जिसका नाम है वॉरशिपिंग फाइल्स गार्ड, ठीक है, इस पुस्तक का आपको लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एशियन बैंक से पूछा गया है, ठीक है, एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है।
जो आपका एशियन बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, जो आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आबू पर्वत पर। सेकंड क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई, जो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो उसने किस क्षेत्र में आपका प्रसिद्धि पाई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, सहनाई में। लास्ट क्वेश्चन आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।